नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इस वक्त की बड़ी खबर अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये सनसनीखेज तस्वीरें। एक ड्रोन किस तरह एक बड़ी सी इमारत में जाकर घुस जाता है और एक बड़ा सा धमाका होता है। इन तस्वीरों को देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा। जी हाँ, 2001 का 9/11 हमला आपके जहन में जरूर कौंध गया होगा जब ये तस्वीरें आपने देखी होंगी। ये तस्वीरें हैं रूस के बड़े शहर सारातोव की, जहां पर यूक्रेन ने 9/11 स्टाइल में एक बिल्डिंग में ड्रोन से हमला किया है। हालांकि वहां पे जो अमेरिका में हमला हुआ था वो विमान था और ये एक छोटा सा ड्रोन था जिसके जरिए यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ये सारातोव की सबसे ऊंची बिल्डिंग है जिससे यूक्रेन का ये ड्रोन जाकर टकरा गया और वहां पे एक बड़ा सा धमाका हुआ और उसमें आग लग गई। आपको बता दें कि सुबह सुबह ये तस्वीरें सामने आई है। ये पूरा जो इलाका है ये रिहायशी इलाका है और वहां पर ये जो बिल्डिंग है इस हमले की वजह से वो क्षतिग्रस्त हो गई है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में 9/11 जैसा नजारा एक बार फिर से पूरी दुनिया देख रही है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग लगातार चल रही है उसमें इसे एक बड़े हमले के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि रिहायशी इलाके में घुसकर इस तरीके से हमला करना रूस के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन गए थे और उसके बाद ये चर्चाएं गर्म थीं कि क्या युद्ध रुकेगा, क्या उसमें भारत कोई भूमिका निभा सकता है। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं कि दोनों देशों के जो तेवर हैं वो कहीं से भी नरम पड़ने वाले हैं और ये हमला जो है एक बार फिर से रूस को भड़काने का काम करेगा। ये जो तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं ये याद दिला रही हैं अमेरिका में हुए 9/11 वाले हमले की। हालांकि जैसा पहले भी हमने जिक्र किया, वहां पर चूंकि विमान थे तो जो नुकसान था वो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था। अलकायदा ने बहुत ही प्लानिंग के तहत विमानों को हाईजैक करके वो हमला अंजाम दिया था। उसकी जो इंटेंसिटी थी उसका जो बहुत ही वृहद स्तर पर वो हमला हुआ था, ये एक छोटा हमला है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कुछ उसी तरह की निकल कर सामने आई हैं जो उस हमले की याद दिला रही हैं। रूस के सारातोव शहर में सबसे ऊंची बिल्डिंग पर यूक्रेन का ड्रोन टकराया और आपको बता दें कि इस हमले की वजह से इमारत के एक बड़े हिस्से में आग लग गई और ये भी जानकारी है कि इस हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है जिसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि इस हमले के बाद से पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है और अब ये माना जा रहा है कि ये जो युद्ध है दोनों देशों के बीच जो पिछले काफी वक्त से चल रहा है, 2 साल से चल रहा है, उसके थमने के संकेत कहीं भी दूर दूर से नजर नहीं आ रहे हैं। इस पर अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।